वाबस्ता कश्मीरियों को, हर एक को और ख़ासतौर को यंगस्टर्स को देखना चाहिए। इसमें कश्मीर की सिविलाइजेशन और हमारे यंग जनरेशन को रूट्स तक ले जाने के लिए एक बेहतरीन नमूना है। और जिस तरह से इसको पेश किया गया, एक पोइटिक अंदाज में, रोमांटिक अंदाज में, और जो कि हकीकत भी है, ये कश्मीर के एंशंट सिविलाइजेशन और यहाँ की तहजीब और कैसे कश्मीर प्रेम से उभरा है। ये जो आजकल मिल्टन सी देख रहे हैं, ये कश्मीर का असली तहजीब नहीं है। कश्मीर की कहानी वितस्ता की कहानी है, और वितस्ता की कहानी सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो इसको जानेगा वो कश्मीर को समझेगा। और जिस तरह से आज ये थिएटर में पेश किया गया, बादशाह सुंबली और बाकी जो कैरेक्टर्स थे इसमें, जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टर प्रेजेंटर, हर एक ने बेहतरीन रोल किया। और जो ओपेरा आज देखने में आया, ये एक बहुत ही हाई लेवल का ओपेरा था। इस टाइप का ओपेरा बहुत कम देखने में मिलता है। देखिए, वितस्ता हमारी सभ्यता का प्रतीक है। जैसे कि आपने नाटक में सुना, शिव के द्वारा बनाई हुई नदी है, सभ्यता की प्राण नदी है जिसे कहते हैं। और सती देवी नदी भूतवा कश्मीराया मिनिर्गता, यानी सती देवी जो है, माता पार्वती जो है, स्वयं नदी के रूप में कश्मीर में बहती हैं। तो सारी सभ्यता की माता जो है वो वितस्ता है। तो मुझे लगा कि इनके ऊपर हमें ये एक छोटा सा प्रयास करके हमारी संस्कृति से जुड़ने की एक पहल है, हमारी सभ्यता से जुड़ने की एक पहल। ये जो आपका ये प्रोडक्शन था, ओवरऑल डिजाइन को बहुत अच्छा किया गया था, ये स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया इस प्रकार से हम इस विषय के साथ और एक नई तरह से। यानी देखिए, नाटक तो होते रहते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति के नाटकों पर एक जो बहुत ज़रूरत है इस वक्त आज के परिदृश्य में होने की, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ संस्कृति मंत्रालय की। एक बच्चों को जो स्थापित के बाद बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी तरफ से प्रयास है कि वो अपने वापस अपने रूट्स के साथ जुड़े, जी अपने अपने मूलों मूल से जुड़े। जी, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, जो बच्चे नौजवान हैं जो कश्मीर के विस्थापन में जम्मू में पैदा हुए, अपने रूट्स जोड़ने के लिए कितना प्रयास कर चुका है? ये उन्हीं के लिए ये प्रयास है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने सभ्यता को जाने, अपने इतिहास को जाने और उसमें गर्व ले, उसमें प्राइड ले अपने इस कल्चर में। और जब तक जानेंगे नहीं तो फिर गर्व कहाँ से आएगा, अभिमान कहाँ से होगा? और अभिमान से और गर्व से कहना चाहिए कि हमारी सभ्यता इतने हज़ारों हज़ार साल पुरानी है। मैंने लीडर का रोल किया था जो कश्मीर में नदी बहती है पहलगाम में, और ये करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी थी मुझे लगता नहीं था कभी मुझे मिल पाएगी, बट सच अ ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा, इवन सारे आप रोल्स देखोगे हर बंदे ने उस चीज़ को फील किया है कि उसने वो चीज़ अपने अंदर घुसा ली थी और उसको उस तरह से परफॉर्म कर पाया है वो। सर, बस इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे अभिनव थिएटर में परफॉर्म करके। इससे पहले हमने दिल्ली में भी परफॉर्म करा और श्रीनगर में भी SKICC में परफॉर्म करा है, और यहाँ पे जो हमें प्यार मिला है वो मतलब बहुत ही नो वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये कह के तो हमें गूज़बम्स आते हैं कि हम जब परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस का रिव्यू देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि वाकई हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी कारण आज से मैं इस पवित्र नदी का नाम रखता हूँ वितस्ता। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।